दोस्तों, आपने नाम सुना होगा पीजेपी प्लान, परमानेंट जर्नी प्लान इसको कहते हैं, और इसको कई कंपनी में बीट प्लान भी बोला जाता है या रूट प्लान भी बोला जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे इसको विजिट प्लान भी बोल देते हैं। ये हमेशा एक महीने पहले एडवांस में बनाया जाता है और आपस में अपनी टीम के साथ शेयर किया जाता है, साथ ही सीनियर्स के साथ भी शेयर किया जाता है। तो ये काफी सारी कंपनियां बनाती हैं जिनको अपने एम्प्लॉई को मार्केट में भेजना होता है या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हमेशा भेजना होता है, वो लोग ये तैयार करते हैं। मोस्टली इसे सेल्स और मार्केटिंग कंपनी वाले बनाते हैं। जिनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम है वो मार्केट में या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जगह पर इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मर्चेंडाइजिंग कर सकें, और सेल्स डिपार्टमेंट वाले इसलिए बनाते हैं ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर इस प्लान के अकॉर्डिंग जाए और अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा पाए। तो आपने जान लिया कि पीजेपी होता क्या है, क्यों बनाया जाता है, आखिर पीजेपी प्लान की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, इस प्लान की जरूरत एक उदाहरण से आप समझ लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं रीजनल सेल्स मैनेजर हूं, मेरे पास दो एरिया सेल्स मैनेजर हैं और हर एक एरिया सेल्स मैनेजर के पास एक सेल्स ऑफ दो सेल्स ऑफिसर और उसके साथ हर एक सेल्स ऑफिसर के पास तीन सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अब मान लीजिए कि मैंने अगर प्लान नहीं बनाया या मेरी टीम के जो मेंबर हैं उन्होंने प्लान नहीं बनाया, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि कौन किस दिन कौन से एरिया में काम करने जा रहा है, और हमें भी जाना होगा तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसके साथ मुझे कब और कहां जाना है। इसके लिए भी पीजेपी प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर पीजेपी प्लान बन गया। अब इसका दूसरा जो उपयोग होता है वो होता है पीजेपी प्लान को अपने टीम के साथ, अपने सीनियर्स और कंपनी के साथ भी शेयर करना होता है, ताकि जो सीनियर है या कंपनी के लोग हैं उन्हें भी पता हो किस दिन कौन सा कैंडिडेट कौन से एरिया में वर्किंग करने जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है, यानी उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। कई सारी कंपनी में पीजेपी प्लान बीट प्लान और रूट प्लान में एक कॉलम अलग से बना दिया जाता है सामने की तरफ, जिसमें रिमार्क्स लिखा होता है या ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। तो हर एक कैंडिडेट जब भी अपना पीजेपी प्लान बनाता है तो उस रिमार्क्स या ऑब्जेक्टिव में उसे डालना होता है कि वो उस दिन उस एरिया में क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने जा रहा हूं, अकेले जा रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव या रिमार्क्स में मैं डाल दूंगा एडवांस में ही कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर फाइंडिंग करने जा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने जा रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग है इसलिए जा रहे हैं या मार्केट करने जा रहे हैं। तो रिमार्क्स ऑब्जेक्टिव में ये चीजें एडवांस में ही लिख दी जाती है। ये एक बढ़िया पीजीपी प्लान होता है अगर आपने रिमार्क्स और ऑब्जेक्टिव भी लिखा है। अब दूसरी चीज, इससे क्या फायदा होता है, इससे यह फायदा होता है कि मान लीजिए आपने अपने सीनियर को ये पीजीपी प्लान शेयर किया, अब उन्हें वहां पर मार्केट करनी है। मान लीजिए कि जिस दिन आप डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने वहां पर जा रहे हैं और वो भी एडवांस में अपना टूर प्लान बना रहे हैं, पीजीपी प्लान बना रहे हैं, तो मान लीजिए कि मंडे को आप वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करने जा रहे हैं, अभी आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और जो आपके मैनेजर हैं उनको इतना ध्यान नहीं है, आपका पीजीपी प्लान अगर नहीं मिलता है तो वो सोचेंगे कि मंडे को वहां पर मार्केट करेंगे, उन्होंने बना दिया कि मंडे को वहां पर मार्केट करनी है, और इस तरीके से एक दूसरे से हमने शेयर नहीं किया या हमने नहीं बनाया। यह हमें उदाहरण के लिए दोनों लोग उस दिन वहां पर पहुंच जाते हैं तो जो कैंडिडेट होता है उसको तो उस दिन वहां पर कुछ करना नहीं है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर सर्च करना है, तो जो मैनेजर की एनर्जी है और मैनेजर का जो टूर कॉस्ट है वो फालतू में वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि दोनों लोग मिलके वहां पर फिर डिस्ट्रीब्यूटर को ही सर्च करते रहेंगे। इसीलिए पीजीपी प्लान बनाया जाता है ताकि मार्केट में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, आने जाने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और साथ ही साथ कोई भी शॉप रिटेल स्टोर
विजिट करने से ना छूट जाए। पीजेपी प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो ये सारी चीजें एकदम प्रोसेस से होती रहती हैं और कोई भी दुकान नहीं छूटती या कोई भी एक्टिव रिटेल काउंटर या होलसेलर हमसे नहीं छूटता और सही फ्रीक्वेंसी पर सही टाइम पर वहां पर दोबारा दोबारा विजिट होती रहती है। तो इसीलिए पीजीपी प्लान बनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें।